हाय गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग जानने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा सेमेस्टर 3 का डिटेल एग्जामिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो आपने कहावत सुना होगा कि बाप अंधेरे में मरे और बेटा पावर हाउस लेके घूमता है, तो यही है पावर हाउस। ठीक है, ये वाला। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना काम की बात। तो भैया काम की बात यहाँ से शुरू होती है। देखिए सेमेस्टर 3 का एग्जाम प्रोग्राम आ चुका है आप लोग का कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, और ये है सेशन 22-26 के लिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये सेशन 22-26 के लिए आ गया। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, और ये प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर है, 22-26 सेशन। एग्जाम का टाइमिंग सबसे पहले जानिए, तो रिपोर्टिंग टाइमिंग 8:30 बजे है। ठीक है, और फर्स्ट सिटिंग जो एग्जाम है आपका, बोला गया है कि फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है, जब आपका फर्स्ट सेटिंग पे एग्जाम होगा। सेकेंड सेटिंग जब एग्जाम होगा ना, तो आपको 1 बजे पे पहुंच जाना है। एग्जाम कब से कब तक चलेगा? तो फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम चलेगा 9 से 12 बजे, क्योंकि ठंडा का दिन आ चुका है, अब जल्दी छुट्टी देना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंड सेटिंग का एग्जाम चलेगा 1:30 बजे से 4:30 बजे। ठीक है, मतलब आराम से आप लोग आधा घंटा में घर पहुंच जाएंगे, 1 घंटा भी लगे तो 5:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम रहेगा कितना से कितना बजे? रहेगा आपका 9 से 12, और सेकेंड सिटिंग 1:30 बजे से 4:30 बजे। पहुंचना है आपको आधा घंटा पहले। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो आपका एग्जाम जो शुरू होता है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो आएगा कल से मंथ शुरू होगा नवंबर का, वो 28 नवंबर से लेकर के आपका चलेगा पूरा का पूरा दिसंबर, 21 दिसंबर तक। ठीक है, 28 नवंबर से 21 दिसंबर तक। अब चलिए देखते हैं किस किस डेट पर किन का किन का एग्जाम है, और क्या क्या यहाँ पे कुछ दिया गया। लास्ट में देखिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको जान लेना है, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन है सामने तो बैठ लीजिएगा लेके, या फिर सुनिएगा ध्यान से। 28 नवंबर का एग्जाम होगा, पहला दिन मेजर पेपर 4 होगा। ठीक है, मेजर पेपर 4, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी कि साइंस एंड आर्ट्स, इसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, एस्टेटिक्स, अनकॉर्पोरेट लॉ यानी कि कॉमर्स वाले, इन सभी का मेजर पेपर। मेजर पेपर मतलब मेजर पेपर, ठीक है, यानी कि ऑनर्स पेपर। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं उनका भी, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कर रहे हैं उनका भी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उनका भी, एंड मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट, इन सभी का फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम होगा 28 तारीख स्टार्टिंग डेट पे। ठीक है, 28 तारीख फर्स्ट सेटिंग में इतने ऑनर्स का, बाकी जितना भी ऑनर्स बचता है, जैसे आपका हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली और कुरुक, इन सभी ऑनर्स का आपका सेकेंड सेटिंग का एग्जाम होगा 28 तारीख को। उसके बाद देखते हैं 29 छुट्टी रहेगा, 30 छुट्टी रहेगा, 1 तारीख छुट्टी रहेगा, 3 दिन लगातार छुट्टी, और फिर आपका शुरू होता है एग्जाम 2 तारीख को। 2 दिसंबर को छुट्टी नहीं है, 2 दिसंबर को एग्जाम है। 2 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और होम साइंस, इन सभी ऑनर्स का एग्जाम होगा। कब? तो आपका एग्जाम होगा 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर सेकेंड सेटिंग को एग्जाम होगा किनका किनका, तो देखिए आपका मेजर पेपर 4 का एग्जाम 3 सेटिंग में है, ये आपका यहाँ तक है 28। ठीक है, 2 सेटिंग, और ये आपका 2 तारीख को फर्स्ट सेटिंग। उसके बाद मेजर पेपर 5 शुरू होगा, जितना भी 28 तारीख फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम दिए हैं उन सभी का 2 तारीख सेकेंड सेटिंग को एग्जाम होगा मेजर पेपर 5 का। ठीक है, जितना भी 28 तारीख फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम दीजिएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक का, इन सभी का मेजर पेपर 5 होगा। कब? तो 2 दिसंबर को। ठीक है, मेजर पेपर 5 की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद 3 तारीख छुट्टी रहेगा, 4 तारीख छुट्टी रहेगा, और 5 तारीख को एग्जाम होगा किन का, तो जिनका भी ऑनर्स पेपर मेजर पेपर 4 28 तारीख सेकेंड सेटिंग में है। 28 तारीख सेकेंड सेटिंग मतलब हिस्ट्री, फिलोसफी से लेकर के कुड़ुक तक, इन सभी का मेजर पेपर 5 होगा 5 तारीख फर्स्ट सेटिंग में। ठीक है, 5 तारीख फर्स्ट सेटिंग में, और जितना भी यहाँ पे 2 तारीख फर्स्ट सेटिंग में मेजर पेपर 4 हुआ है उन सभी का मेजर पेपर 5 होगा। कब? तो इनका होगा 5 तारीख सेकेंड सेटिंग में। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इन सभी का मेजर पेपर 5 होगा 5 दिसंबर को सेकेंड सेटिंग में।
ठीक है। अब देख लेते हैं, यहां से शुरू होता है माइनर वन बी। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम चेंज होगा फिर। अब माइनर वन बी जितना भी लोगों का एग्जाम हुआ है यहाँ पे ऑनर्स पेपर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, बॉटनी, जूनोलॉजी, एस्टेटिक्स, कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट, इन सभी ऑनर्स वालों का माइनर पेपर जो होगा वो आपका 9 दिसंबर को होगा, ठीक है, 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हिस्ट्री वालों का शुरू हो जाएगा, हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली और कुड़ुक, इन सभी का 9 तारीख सेकेंड सेटिंग को माइनर पेपर 1B का एग्जाम होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है माइनर पेपर 1B में आप क्या रखे हैं, वो डिपेंड करता है। आगे देखते हैं तो 12-12 को एग्जाम होगा, 12 दिसंबर को, उसके बाद 10 तारीख छुट्टी है, 11 तारीख छुट्टी है, मतलब गैप दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है, पढ़ने का बीच बीच में आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनर पेपर 1B का। माइनर पेपर 1B में देख लेते हैं तो इसमें पॉलिटिकल साइंस वालों का होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, इन सभी का 12 तारीख फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो फिर आता है यहाँ से MDC पेपर शुरू होता है। MDC मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, MDC, और यहाँ पे जितना भी ऑनर्स वाले यहाँ पे हैं 9 तारीख को, उन सभी का यहाँ पर भी है। तो MDC में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, एस्टेटिक्स और बेसिक बिजनेस, अकाउंटिंग, जितना भी है इन सभी का से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक का MDC पेपर होगा 12 दिसंबर को, ठीक है। अब देख लेते हैं MDC 3 पेपर होगा। MDC 3 हिस्ट्री, फिलोसफी, इंग्लिश आपका इन सभी का होगा 16 तारीख को, यानी कि देखिए यहाँ पे 12 तारीख के बाद फिर एक बार 16 तारीख को एग्जाम होता है, ठीक है, 12 तारीख के बाद डायरेक्टली 16 तारीख को एग्जाम होगा। अब देख लेते हैं MDC पेपर 3, तो इसमें एग्जाम होता है पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड होम साइंस, इन सभी का 16 तारीख को एग्जाम होगा सेकेंड सेटिंग में MDC पेपर वाले, ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पे SAC पेपर, तो SAC पेपर कब एग्जाम होगा। SAC पेपर देखिए ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स पढ़ते हो, कॉमर्स पढ़ते हो, चाहे साइंस पढ़ते हो, SAC पेपर में आपको सबको रखना है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, ठीक है, ये एग्जाम होगा। ये 3 सेट में एग्जाम होगा। पहला सेट होगा 19 तारीख को, 19 तारीख को देखिए किनका किनका है, जिनका भी मेजर पेपर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, मतलब जितना था एक ग्रुप में से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक, ये सारे ग्रुप ए हम लोग बोल सकते हैं इसको, 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप A, B, C, ठीक है, शुरू से ही मतलब 3 सेटिंग में एग्जाम कंप्लीट करता है। तो ग्रुप ए वालों का एग्जाम होगा SAC पेपर 19 दिसंबर को, ठीक है, एंड ग्रुप बी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ग्रुप बी के सब्जेक्ट जितने भी हैं इन सभी का एग्जाम, यानी कि हिस्ट्री, फिलोसफी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, ये ग्रुप बी है, ग्रुप बी का एग्जाम होगा आपका सेट टू का सेकेंड सेटिंग में 19 दिसंबर को। वहीं 20 दिसंबर को आपका जो है पेपर पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, सॉरी मैथमेटिक्स नहीं है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड होम साइंस, इन सभी मेजर पेपर वालों का जो पेपर होगा ये होगा आपका 20/12/2024 को, ठीक है। वहीं अब आता है आपका AC पेपर, तो जो लोग AC में, देखिए यहाँ पे एग्जाम का टाइमिंग जो है AC में 2 घंटा ही रहेगा, यानी कि जब आपका 9:30 बजे एग्जाम शुरू होगा तो आपका 11 बजे छुट्टी होगा, और 1:30 बजे एग्जाम शुरू होगा तो आपका 3:30 बजे एग्जाम छुट्टी होगा, ठीक है। AC पेपर जो 3 है, AC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, और SAC का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो इसमें आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स सभी का सेम होता है, अगर आपने चुना है AC पेपर के रूप में बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरुक को चुना है, ठीक है, फॉर ऑल मेजर कोर्स, जिनका भी ये मेजर पेपर सॉरी जो भी ये लोग चुने हैं इस सब्जेक्ट्स को AC पेपर में, तो इनका एग्जाम होगा 20 तारीख सेकेंड सेटिंग में। वहीं मेजर सॉरी AC पेपर में जो लोग इंग्लिश को चुने हैं, जिनका भी ऑनर्स AC पेपर इंग्लिश है, उनका एग्जाम होगा, चाहे आप कोई भी ऑनर्स हो, अगर आप इंग्लिश को रखें AC में तो आपका एग्जाम 21 तारीख फर्स्ट सेटिंग में होगा, अगर आप AC में हिंदी को रखें तो आपका एग्जाम 21 तारीख सेकेंड सेटिंग में होगा, जो कि
80% बच्चा हिंदी को रखा है। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम का टाइम टेबल। अब बात करते हैं हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए आपका एग्जाम शुरू है 28 नवंबर को, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 22 नवंबर तक। ठीक है, 22 से पहले आएगा लेकिन लास्ट 22 तक आ ही जाएगा, 22 नवंबर तक। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए विशेष निर्देश। क्या निर्देश है कि एडमिट कार्ड में विषय में संबंधित किसी प्रकार की गलती होती है तो परीक्षा शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय विभाग से अपना एडमिट कार्ड प्राचार्य द्वारा फॉरवर्डिंग किए गए आवेदन पत्र के माध्यम से सुधार करा लें। अगर किसी के एडमिट कार्ड में कुछ गलती रहता है, फोटो या फिर कोई नाम वगैरह या फिर कुछ भी चीज़, तो आपको अपने कॉलेज के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल से बोलना है। ठीक है, प्राचार्य प्रिंसिपल से बोलना है, वो आपको सुधार करा देंगे यूनिवर्सिटी के माध्यम से। दूसरा चीज, एग्जाम प्रोग्राम से संबंधित किसी भी प्रकार के समस्या समाधान हेतु कॉलेज के परीक्षा विभाग से संपर्क करें। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें बोली गई जो कि कोर्ट के द्वारा निर्देशित है। बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 1981, डायरेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पटना डेट 12/1995 विल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड फॉर फेयर कंडक्ट एग्जामिनेशन। और ये जो है बोला गया है कि आपका एग्जाम जो है पूरी तरह से शुद्ध होगा, फेयर कंडक्ट होगा, किसी प्रकार का चीटिंग वगैरह नहीं होगा। ठीक है, और ये कहाँ से बोला गया है, पटना हाई कोर्ट। यार यूनिवर्सिटी ना बहुत कचड़ा है, बदलो यार, पटना हाई कोर्ट अब नहीं है। पटना हाई कोर्ट था कब मालूम है, झारखंड का हाई कोर्ट पटना था, खंडपीठ के रूप में रांची हाई कोर्ट आया था 1972 में, और 14 नवंबर 2000 तक पटना हाई कोर्ट का आदेश हम लोग मानते थे, लेकिन अब रांची हाई कोर्ट का आदेश मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट की जगह पे इनको रांची हाई कोर्ट करना चाहिए। चलिए वो इनका नीचे मैटर है, नीति निर्देश से संबंधित। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का अनफेयर मीन्स नहीं करना है, अदरवाइज आपको जो है एग्जाम से निकाल भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे डिबेट बोला गया है कि डिबार्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन मे ऑल्सो लीड टू देयर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आपको एग्जाम से निकाला भी जा सकता है अगर आप किसी प्रकार का चीटिंग वगैरह करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ का साइन है, 26 अक्टूबर का साइन है, और भाई किसी प्रकार का फेक न्यूज नहीं है, तो आप लोग का एग्जाम डेट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। हाँ, एक इशू आता है कि जो कोल्हान यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है ना यार, हैक हो गया है। ठीक है, और इन लोग सुधार नहीं कर पाया अभी तक। वास्तव में देखा जाए तो मैं बहुत बार खोलने की कोशिश किया, लेकिन इनका वेबसाइट जो है ना, मतलब स्कूल नेट खुलने लगता है और अजीब सा वो देखे है ना, हाँ वो आ जाता है, तो बोलना तो नहीं चाहूँगा, वो आ जाता है। और मालूम नहीं इनका आईटी विभाग कैसा काम कर रहा है यार, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इनका आईटी डिपार्टमेंट को। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम किसमें आपको फेल होने की संभावना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। मेजर पेपर पास कर जाइएगा कुछ भी लिख के, मतलब लिखने वाला जितना भी चीज़ है आप पास कर जाइएगा, इसको भी मेजर पेपर 5 भी पास कर जाइएगा, माइनर पेपर भी पास कर जाइएगा, एमडीसी पेपर भी पास कर जाइएगा। फेल आप एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट है जो आपको फेल रखने का अवकाश रखता है, और वो सब्जेक्ट है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फेल कराने की अवकाश रखता है। ठीक है, इसमें बता रहा हूँ 90% बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेपर मैथ का है, और मैथ का पेपर अभी तक जितना भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है, केवल रांची यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटी में मैथ का पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आया है। ठीक है, तो आपका भी एग्जाम अगर इंग्लिश में हो गया तब तो आपका डंका बज गया, लेकिन नहीं बजने देंगे। चलिए ठीक है, तो आपको मैथ पे फोकस करना है। अब बोलिएगा ये सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव। देखिए सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ज़्यादा संभावना है कि आपका पेपर सब्जेक्टिव ही आए। और मैंने मैथ के बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यह पहले सेमेस्टर 2 में हुआ करता था, अब आपका सेमेस्टर 3 में कर दिया गया है। ठीक है, अभी भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 को रखा गया है, सेमेस्टर 3 को। तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और सर्च मारिएगा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस ज्ञान सागर वीडियो, तो सच बता रहा हूँ जितना भी मैंने सॉल्व कराया है वो सभी आ जाएगा। 50 गो से आसपास वीडियो है, कम से कम आप 10 गो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला देखिएगा, समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से, उसके बाद सब्जेक्टिव वाला देखिएगा। ठीक है, तो यही बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट पे आप ध्यान दें चाहे ना दें, लेकिन कम से कम 1 घंटा डेली इस सब्जेक्ट को पढ़ें, अदरवाइज खाली बच जाएगा आपका। चलिए मैं आपको अपने दोस्त जैसा समझाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं टीचर बनता हूँ। ठीक है, शुभ दीपावली, अच्छे से दीपावली मनाइए। ठीक है, और कुछ बोलना है क्या? अब बात आती है मेरी
कि मैं अब आपके लिए क्या करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग का एग्जाम है और आप लोग का मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दे दूंगा कि आपके एग्जाम में भिड़ जाए। 80% ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम में भिड़ेगा, जैसा कि हर बार देता हूँ। ठीक है, और देखिए दीपावली में जुआ मत खेलिएगा, एक मेरा रिक्वेस्ट होगा, जुआ मत खेलिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैर आपकी कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मार लीजिए, बस जुआ का आदत मत लगाइएगा यार। ठीक है, नहीं तो ना फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगा। ठीक, तो जुआ, व्यसन, शराब, मदिरा, ये सब करना ही था तो फिर पढ़ाई क्यों करते हैं? छोड़ दीजिए पढ़ाई और भीड़ में शामिल हो जाइए आप भी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मेरे कहने या ना कहने से तो मानेंगे नहीं, जब तक से आपका जिंदगी बर्बाद नहीं होगा कर लीजिए बर्बाद। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इम्पोर्टेंट वीडियो जल्दी से मैं देना का शुरू कर दूंगा। जुआ नहीं खेलना है, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, और होना है तो फिर